गर्मियों की छुट्टियाँ और बच्चों की तो आइसक्रीम खाने की डिमांड्स चलती ही रहती है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो बनती है टॉफ़ी से। जी हाँ, बिल्कुल कच्चा मैंगो बाइट टॉफ़ी पॉप्सिकल आइसक्रीम आज हम बनाने वाले हैं, जो कि बहुत ही चटाकेदार और बहुत ही मज़ेदार बनती है। जो एक बार ये आइसक्रीम खाए तो वो रुक ना पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं आज की बढ़िया रेसिपी। दोस्तों, ऐसे मज़ेदार रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने ले लिया है कच्चा मैंगो बाइट वाला टॉफ़ी। हम यहाँ पे 20 से 25 टॉफ़ी जो है वो यूज़ करेंगे हमारे आइसक्रीम बनाने के लिए। तो एक एक से इसे खोल लेते हैं, खोलना बड़ा आसान है। बहुत ही जल्दी से और फटाफट से ये काम ख़त्म हो जाता है। अगर आप ज़्यादा पॉप्सिकल्स बनाना चाहते हैं तो और ज़्यादा टॉफ़ीज़ ले लीजिए। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि टॉफ़ी से आइसक्रीम बनेगी कैसे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी मेथड है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, मतलब मिनिमम इंग्रेडिएंट्स के साथ हम आज ये आइसक्रीम बना के तैयार करने वाले हैं। और बच्चे तो डबल खुश हो जाएंगे इस आइसक्रीम को खा के। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सारे टॉफ़ीज़ को निकाल लिया। अब हमें इसे करना है क्रश। आप इसे मिक्सर ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, बट एक मैं ये मेथड यूज़ कर रही हूँ। मैंने ली है एक पॉलीथीन बैग, आप कोई भी बैग ले सकते हैं। टॉफ़ीज़ कर दी अंदर, अब हम इसकी पिटाई कर लेंगे। तो इसकी पिटाई लगाते हैं हम, जब तक कि ये दरदरा सा ना हो जाए। हमें ज़्यादा पाउडर इसे नहीं बनाना है, बस थोड़ा सा क्रश्ड सा दरदरा सा बना के रेडी करना है। तो देखिए, ये काफ़ी दरदरा सा लग रहा है यहाँ पर। तो ये लग रहा है रेडी, तो इसे निकाल लेते हैं वापस से। तो बैग खोल लिया मैंने और इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे उसी बाउल के अंदर। ये लीजिए, तो ये देखिए हमारी क्रश टॉफ़ी रेडी है। तो इसे साइड में रख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बर्तन लिया, आप कोई सा ले सकते हैं। इसमें मैंने लिया है 2 कप पानी, आप कोई भी कटोरी के माप से पानी ले सकते हैं। तो 2 कप पानी मैंने यहाँ पर ले लिया है और इसमें मैं डालूंगी 5 से 6 चम्मच टेबलस्पून भर के चीनी। अब इतने सारे पानी के लिए जो आइसक्रीम है वो थोड़ी सी मीठी तो लगनी चाहिए, तो थोड़ी सी चीनी ऊपर से। और गैस की फ्लेम कर लेते हैं ऑन और अब हम इसे उबाल लेंगे। इसकी कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस हमें अच्छा सा शुगर सिरप बना के रेडी करना है। 2-3 उबाल आने तक इसे चलाते रहेंगे। तो ये देखिए, शुगर हो गई मेल्ट और अच्छे से ये उबल रही है। और ऐसे ही करते करते इसे 2-3 बार उबाल लेते हैं, ताकि हमारा जो शुगर सिरप है, आइसक्रीम का बेस है, वो अच्छे से रेडी हो जाए। तो 2-3 उबाल इसमें आ गए, तो ये अब रेडी लग रहा है। तो इसमें हम डाल देते हैं क्रश्ड की हुई हमने जो टॉफ़ी रखी थी वो इसमें डाल देते हैं और इसे कर लेते हैं शुगर सिरप के साथ मिक्स। अभी क्या है दोस्तों, आपको ये थोड़ी सी हार्ड लगेगी चलाने के लिए, बट कोई बात नहीं, ये थोड़ी देर में मेल्ट हो जाएगी। तो इसे बस चलाते रहिए और देखते ही देखते ये पिघल जाएगी। और ये देखिए, ये काफ़ी हद तक पिघल चुकी है और इसे हिलाते हिलाते हम पूरी से मेल्ट कर देंगे इसे। और ये देखिए, हमारी चॉकलेट टॉफ़ी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो गई। अब हमें इसे कुक करना है, ताकि ये जो है ना कच्चा आम का फ्लेवर पूरी तरह से इसमें उतर जाए। और क्या बढ़िया खुशबू आ रही है फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार ये पॉप्सिकल बनके रेडी होने वाला है। ये देखिए, इसमें अच्छे से उबाल आ चुका है। तो ये अब लग रहा है बिल्कुल रेडी, इसे थोड़ा सा चला लेते हैं। देखिए, इसमें अच्छा सा बॉईल आ गया। अब इसे और चटाकेदार और मज़ेदार बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे 1/2 नींबू का रस। नींबू इसको एक टैंगी फ्लेवर देगा, तो आइसक्रीम खाने में एक और भी मज़ा आ जाएगा। तो डाल दिया मैंने नींबू का रस और इसे कर लेते हैं मिक्स। तो अब ये लग रहा है बिल्कुल रेडी और इसमें अब कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं डालने हैं। तो एक उबाल आ चुका है इसके अंदर,
और सारे फ्लेवर्स अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो अब गैस की फ्लेम मैंने यहाँ पे ऑफ कर दी है और इसे हमें पूरी तरह से इसे ठंडा कर लेना है। तो देखिए ये पूरी तरह से ठंडा हो गया, मैंने इसे दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया था। और अब इसे और ज़्यादा मज़ेदार और चटाकेदार बनाने के लिए इसमें डालेंगे चाट मसाला, तो इससे इसका फ्लेवर और भी दुगना हो जाएगा और जो आप चुस्की खाएंगे इसकी तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। तो इसे कर लेते हैं मिक्स और अब इसे हमें जमाना है। तो किसी भी चीज़ में आप जमा सकते हैं, कटोरी या फिर पेपर कप्स या तो फिर कोई भी मोल्ड में आप इसे जमा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ पेपर के कप्स, इसमें मैं फिल करूँगी थोड़ा सा सिरप जो हमने बेस बनाया था पॉप्सिकल्स का। और थोड़ा सा मोल्ड्स में भी इसे फिल कर रही हूँ। ये फटाफट से जम जाती है बहुत ही जल्दी आसानी से। तो ये तो हो गया, मैंने इसे बंद कर लिया ढक्कन लगा के। और अब जो हमने पेपर कप्स लिए थे उसके ऊपर आप कोई भी फॉइल पेपर या तो क्लिंग फिल्म लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ क्लिंग फिल्म। इसे मैं इसे कवर कर दूँगी टाइटली। और इसमें लगा देते हैं छोटा सा कट और ये हो गया। इसमें मैं एक चम्मच जो लकड़ी की आती है वो इसमें इंसर्ट कर रही हूँ, आप कोई भी लगा सकते हैं। तो ये बिल्कुल रेडी है, फ्रिज में 5 से 6 घंटे तक इसे रेफ्रिजरेट करना है। और ये देखिए हमारी आइसक्रीम जम के रेडी हो गई और पॉप्सिकल्स खाने के लिए बिल्कुल तैयार है, एकदम माउथ मेल्टिंग, मज़ेदार, चटाकेदार, बहुत ही मज़ेदार। बच्चों के साथ बड़ों को भी खूब पसंद आएंगे। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि एक खाने के बाद में आप एक पे रुक नहीं पाएंगे। तो इन गर्मियों की छुट्टी में इस मज़ेदार और चटाकेदार रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखें, आपको और आपके पूरे फैमिली को ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। तो इस मज़ेदार रेसिपी को एक लाइक तो बनता ही है। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर लीजिए और ऐसे ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं जल्द मेरी अगली रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।